राहत खान शुरुआत बड़ी खबर से कर रहे हैं। कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा में शामिल होने के लिए बिलासपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री सचिन पायलट आज प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर बरसे। पायलट ने कहा कि केंद्र से पैसा मिलने के बावजूद छत्तीसगढ़ पिछड़ा क्यों है। पायलट ने कार्यकर्ताओं में उत्साह भरते हुए कहा कि आगामी चुनाव के बाद छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनेगी। आपको बता दें कि कांग्रेस की इस यात्रा में प्रदेश कांग्रेस के सभी बड़े दिग्गज नेता मंच पर मौजूद हैं। तो आपको बता दें आज सचिन पायलट पहुंचे हैं परिवर्तन यात्रा में शामिल होने के लिए और संबोधित यहां पर सचिन पायलट के द्वारा किया गया। और साथ ही साथ सचिन पायलट ने ये भी कहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में यहां पर कांग्रेस की सरकार बनेगी। साथ ही ये भी कहा कि सबसे पहले हम कांग्रेस के सिपाही हैं, कार्यकर्ता हैं। देशों के अंदर जमीन के नीचे सबसे ज्यादा खजाना हो, सबसे ज्यादा भुखमरी, लाचारी, बेकारी, बीमारी उन्हीं प्रदेशों के अंदर होती है। जितना धन आवंटन, जितने कार्यक्रम, जितनी योजनाएं, जितना पैसा, जितना बजट आपके प्रदेश को मिलता है, बाकी ऐसे प्रदेशों को मिलता है, लेकिन उसका परिणाम क्या निकलता है? मैं दावे से कहना चाहता हूं हमारी केंद्र की सरकार पिछले 9 साल से दिल्ली में कायम है। और साथियों को एक कारण था, और 2004 में जब कांग्रेस पार्टी सरकार बनाई थी तो हमारे 156 सांसद थे। 5 साल के कार्यक्रम के बाद हमने काम किया, 2009 में चुनाव हुए, हमारे 206 सांसद सुनकर गए। आपका आशीर्वाद